फ्रेंड्स, मैं आज आपको नासिक का जो स्ट्रीट फूड है उल्टा वड़ा पाव, वो बना के दिखाने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और कढ़ाई में तेल थोड़ा सा रख लिया मैंने। और ये उबले हुए आलू हैं, 10-11 आलू हैं ये उबले हुए, इनको स्मैश कर लेंगे। ब्रेड रोल जो होता है, वड़ा पाव जो होता है, बोंडा होता है, कटलेट होता है, तो ये सब्जी कई चीज़ों में काम आती है। तो हमने जो तेल चढ़ाया था कढ़ाई में, गर्म हो गया है। इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे, छोटी वाली चम्मच, और आधी चम्मच हींग। गैस का फ्लेम कम करके अब ये मसाला डाल देंगे। ये धनिया पाउडर है जो कि 1.5 बड़े चम्मच डाल दिए मैंने। एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच मिर्च डाल दी हूँ। ये मेरी रेगुलर वाली जो तेज वाली मिर्च होती वो है ये। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप एक चम्मच भी डाल सकते हैं। मसाले को मिला के आलू डाल देंगे इसमें। दो मिनट के लिए इसको गैस का फ्लेम कम करके ढक के रख देंगे। दो मिनट हो गई और हमारी ये सब्जी बन गई है। बस इतनी देर रखना होता है इसको, क्योंकि थोड़े से मसाले कच्चे ना रह जाएं इसलिए। तो ये सब्जी बहुत सारी चीज़ों में भरने के, या मतलब कि जैसे ब्रेड रोल बनाते हैं या टिक्की बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए काम आती है। कटलेट बनाते हैं, बोंडा बनाते हैं, तो सिंपल सी रेसिपी है ये और काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है। ये मैंने एक पैकेट पाव लिए हैं जिसमें 6 पाव होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये एक टूटा हुआ निकला उसमें से पैकेट में से, बाकी सब ठीक है। तो हम इस टूटे हुए को भी यूज़ कर लेंगे। और ये आलू की सब्जी है जो मैंने अभी बनाई थी, ठंडी हो गई है ये और मैंने इसमें निकाल ली है। और चाहें तो आप इसमें जो हरी मिर्च की जो चटनी होती है वो मिला सकते हैं, पर हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो मैं मतलब कि नहीं मिला रही हूँ इसमें हरी मिर्च की चटनी। आप चाहें तो मिला सकते हैं इसमें। थोड़ा सा जो ये पाव का बीज का हिस्सा होता है इसको हम बाहर निकाल देंगे। सारे पाव में से ऐसे करेंगे हम, जो थोड़ा सा इसमें ब्रेड का बीज का हिस्सा है वो निकाल के अलग कर देंगे। तो ऐसे हमको इसमें जगह बना लेनी है। जब मैं जगह बनाई है उसके बीच में सब्जी भर देंगे। और ये टूटा हुआ पाव है इसको भी जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर से बेसन की कोटिंग होगी तो ये जुड़ा हुआ रहेगा। वड़ा पाव बनाने के लिए अब हम बैटर बनाएंगे बेसन का। ये हमारे सारे तैयार हो गए, इनको साइड में रख दूंगी। तो हम आवश्यकता के अनुसार बेसन लेंगे। और ये चावल का आटा है जिसको हम हरा रोट भी कहते हैं, तो ये कुछ डाल लूँगी, इससे क्रिस्पी बनते हैं। एक छोटी चम्मच नमक, एक छोटी वाली चम्मच, आधी तकरीबन आधी हींग, एक चम्मच चाट मसाला, ये ऑप्शनल है। पानी भी आवश्यकता के अनुसार डालेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया गरम होने के लिए। तेल गरम हो गया है।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।